दोस्तों सब्सक्राइब करें बाबा का ज्ञान चैनल को ताकि आपको मिल सके वीडियोस सबसे पहले सबसे तेज। अभी सब्सक्राइब करें। 2014 के दौरान एक ही नाम हर जगह सुनाई दे रहा था, हर घर में एक ही नाम बोला जा रहा था, बच्चा बच्चा एक ही नाम की रट लगा रहा था, वो नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आखिर कैसे बना ये नाम हर आदमी की पसंद, या यूं कहूं कि आखिर कैसे बना नरेंद्र मोदी एक ब्रांड, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एनडीए की सरकार ने 2014 के चुनाव के दौरान एक पावरफुल टीम को सेलेक्ट किया। ओलिग्वी से थे पीयूष पांडे और मेडिसिन से थे सैम बलसारा। ये दोनों व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गज हैं, और पीयूष पांडे तो इतने माहिर आदमी हैं कि उन्हें पता है कि एडवर्टाइजमेंट से कैसे एक आदमी के दिमाग में जगह बनाई जाती है। एक नारा था जो उस टाइम पे आपने बहुत सुना होगा कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा किसी और ने नहीं बल्कि पीयूष पांडे ने ही दिया था, और ये नारा इतना पॉपुलर हुआ कि बच्चा बच्चा बोलता था कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। पीयूष पांडे और सैम बलसारा को लगभग 2 महीने का टाइम दिया गया था कि हर घर में मोदी का नाम पहुंच जाना चाहिए। उनकी टीम ने 24/7 काम किया, 200 से ज्यादा कमर्शियल टीवी एड्स चलाए, 150 से ज्यादा रेडियो कमर्शियल, और हर रात 100 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में छापे जाते थे। इनकी टीम ने जी जान लगाकर मेहनत की, जिसकी बदौलत पूरे भारत में एक ही नाम सुनाई और दिखाई दे रहा था, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। देखिए, किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने में एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया तो आप बहुत बड़े ब्रांड बन जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, पर एडवर्टाइजमेंट सब कुछ नहीं है। आपका काम, आपकी सच्चाई, आपकी क्वालिटी, आपकी ईमानदारी भी मायने रखती है। तो मोदी जी के पास काम, सच्चाई और क्वालिटी पहले से ही थी, क्योंकि लोगों ने गुजरात के बारे में सुना था, गुजरात को डेवलप होते देखा था, तो लोगों ने सोचा कि मोदी जी ने जैसे गुजरात को डेवलप किया है वैसे ही पूरे देश को भी डेवलप कर देंगे, क्योंकि लोगों को मोदी जी पे भरोसा था, और ये भरोसा ही वो चीज थी जिसने मोदी जी को वोट दिलवाए। जब लोगों ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे तो उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होता गया, उन्हें मोदी जी के वादों पे विश्वास होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी थी, जो कि 2 महीने पहले से अपने एडवर्टाइजमेंट चला रही थी, पर कांग्रेस ने मनमोहन सरकार में इतने घोटाले किए थे कि लोगों को कांग्रेस सरकार की बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बहुत सारे। देखिए दोस्तों, किसी भी ब्रांड को बनाने के लिए हमें 3-4 चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी और अपने प्रॉमिस को पूरा करने की एबिलिटी। अगर आप अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ब्रांड वैल्यू गिरती चली जाएगी। एनडीए गवर्नमेंट ने 3 चीजों को लेके अपना कैंपेन चलाया। पहला, अनहैप्पीनेस, कि जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग कांग्रेस सरकार से खुश नहीं है। दूसरा कैंपेन चलाया होप पर, कि हाँ अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, जिससे लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ अच्छे दिन आएंगे। तीसरा कैंपेन उन्होंने चलाया कॉल फॉर एक्शन पे, कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, ताकि लोग पोलिंग बूथ पे जाके मोदी को ही वोट दें। लोगों को लगने लगा कि कोई मसीहा आने वाला है, कोई अवतार होने वाला है जो कि उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, भुखमरी बेरोजगारी को हटा देगा, हर जगह एक ही नाम, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों इसे ही कहते हैं ब्रांड वैल्यू का बनना। अब अगर इस ब्रांड ने जो प्रॉमिस किए थे उन्हें पूरा किया, या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया, तब तो ये ब्रांड ऊपर जाएगा, वरना ये ब्रांड भी कांग्रेस सरकार की तरह डूब जाएगा। देखिए,
ब्रांड की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है उसके काम या क्वालिटी के हिसाब से। अगर आपका काम सही है तभी आपका नाम चलेगा और आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। जैसे कोका कोला की ब्रांड वैल्यू 98 बिलियन से भी ज्यादा है, और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो उनकी ब्रांड वैल्यू को पैसों में नहीं आंका जा सकता। बस भगवान से यही दुआ है कि उन्होंने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करें और हमारे देश को तरक्की की राह पर लेके जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।